इस तरह हम करेंगे कि हम सब लोग समाधानी रहेंगे। मैं क्या देख सकता, वीडियो को पूछ लीजिए ना, ईडी एंटी करप्शन, बीजेपी ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उस वक्त नेताओं ने जेल में भेजा था उनको, अब उनकी फाइल नहीं मिल रही है। अभी अभी मैंने अंजलि जमानिया का एक वक्तव्य सुना इस बारे में। अब छगन भुजबल जी कौन से पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे, उस बारे में तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन वो बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं ऐसे आपका कहना है। अब अजित पवार बन गए, हसन मुश्रीफ उनका चेहरा बन गए, भावना गवड़ी उनका, भ्रष्टाचार ही बीजेपी का चेहरा है और कुछ नहीं, मैं इतना ही कहूंगा, भ्रष्टाचार ही उनका चेहरा है और रहेगा। और जो भ्रष्टाचार बीजेपी के साथ चलेगा वो पवित्र बन जाएगा। बस ठीक है, तो ये लोग गेले कोरडा मध्ये। हाँ और क्या है, चंपई सोरेन जो है वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री, और दूसरी बात अरविंद केजरीवाल को जो संबंध भेजा गया वापस से पार्टी कह रही है अनलॉफुल है, और अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन की अरेस्ट भी अनलॉफुल है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन भी अनलॉफुल है। इस देश में ईडी जिसके जिसके ऊपर कार्रवाई कर रही है वो 99% अनलॉफुल है, इलीगल है, ये सबको मालूम है। लेकिन ईडी बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, सबको मालूम है, जो बीजेपी कहेगी वो ईडी करेगी। ईवीएम और ईडी के सिवाय बीजेपी नहीं है, ईवीएम और ईडी है तो मोदी और बीजेपी है, ये नारा इस देश को देश में गुंज रहा है। इसमें नई बात क्या है, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, बिहार हो, जो बीजेपी के साथ नहीं है उसके ऊपर ईडी रेड करती है। सर नितिन देवड़ा कांग्रेस के बीजेपी में बाबा सिद्दीकी का कहा जा रहा है कि एनसीपी में जाने की बात हो रही है, तो एनसीपी में नहीं जा, देखो एनसीपी शरद पवार जी की है, अजीत पवार के गुट में शायद जा सकते हैं, ऐसा आपके माध्यम से मैंने सुना है। बीजेपी के साथ, उसका मतलब वो बीजेपी के साथ जा रहे, देख लेंगे, अब तक तो गए नहीं ना, प्रवेश तो नहीं किया है ना, कब है प्रवेश उनका, कब शामिल होंगे, खाली खबरें है, हम खबरों पर विश्वास नहीं रखते, जब जाएंगे तो देख लेंगे। सीट खाली होगी वहां विधानसभा की, और सीट खाली होने के बाद वहां शिवसेना जीतेगी, ये पहली बात। अगर ये बात सही है तो बीजेपी ये इसलिए कर रही है, वहां जो लोकसभा की सीट है वहां के मुसलमान समाज में फूट डालने की एक कोशिश है, और बाबा सिद्दीकी जैसे लोग अगर ये काम करेंगे तो समाज और देश उनको माफ नहीं करेगा। कुछ महाराष्ट्र में तो सुबह 4 बजे करते हैं, कभी कभी अजीत पवार देवगिरी से निकलते हैं दोपहर को और 5 मिनट में कर लेते हैं शपथ विधि, हाँ कर लेते हैं ना, 5-5 मिनट में लोग सो रहे और वहां शपथ ले रहे अजीत पवार जी और देवेंद्र फडणवीस जी, और यहाँ दोपहर को 5 मिनट में देवगिरी से निकल रहे हैं राजभवन जा रहे हैं और शपथ हो रहा है, इसको पता तक नहीं है। लेकिन झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पूरा बहुमत है, पूरा 2/3 से भी ज्यादा, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री जो है वेटिंग में है। ये डेमोक्रेसी है, ये हमारा संविधान की धज्जिया उड़ाने का काम चल रहा है। एक सरकार, एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया आपने बिना वजह, मुख्यमंत्री को, और दूसरा मुख्यमंत्री उस पार्टी का जो अपना बहुमत दिखा रहा है राजभवन में जाकर, उसको आप शपथ लेने से रोक रहे हो, यह आपकी डेमोक्रेसी है। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच। तर खासदार संजय राऊत माध्यमांशी बोलत होते, भ्रष्टाचार हाच भाजपचा चेहरा आहे, तर अजित पवार आणि मुश्रीफ हे
भाजपचे नेते असल्याचं सुद्धा म्हणलंय. महाराष्ट्रात कधीही शपथविधी होतात अशा पद्धतीचं त्यांनी पुन्हा एकदा भाजप सरकारवर टीकास्त्र डागलेलं आहे. खासदार संजय राऊत माध्यमांशी बोलत होते.